लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग हुई वो मुझे लगता है कि सबको चौंकाने वाली। ठीक है, फखर जमान ने रन नहीं बनाए थे, वो फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इमाम को बुमराह ने जिस तरह आउट किया, बाबर आजम को तो गेंद ही बड़ा जबरदस्त फेंका हार्दिक पांड्या ने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का इंटेंट नहीं दिखा भाई। एक स्टेज पे आप टीम को कैसे देखते हैं, एक स्टेज पे जब बरसात हो गई, 20 ओवर उनको मिनिमम रिजल्ट के लिए चाहिए और टीमें तो ये सोचती है ना यार 20 ओवर में क्या पता हम जीत जाएं। पाकिस्तान ने टारगेट की तरफ जाने की कोशिश तक नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। कल के मैच को लेकर विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन आया है, तो वह रिएक्शन वीडियो दिखाने से पहले चंद चीज़ें आपको बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान कल का मैच हार भी गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान पूरा एशिया कप हार गया है। तो श्रीलंका के साथ मैच बाकी है, अगर पाकिस्तान श्रीलंका से होने वाला मैच जीत जाता है तो एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, नेपाल टीम को अच्छी रन रेट से हराया है, इंडिया के साथ होने वाला मैच तो चलो नो रिजल्ट रहा, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के साथ होने वाले मैच में भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशिया कप में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कल के मैच को लेकर विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना देर के रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग हुई वो मुझे लगता है कि सबको चौंकाने वाली। ठीक है, फखर जमान ने रन नहीं बनाए थे, वो फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इमाम को बुमराह ने जिस तरह आउट किया, बाबर आजम को तो गेंद ही बड़ा जबरदस्त फेंका हार्दिक पांड्या ने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का इंटेंट नहीं दिखा भाई। एक स्टेज पे आप टीम को कैसे देखते हैं, एक स्टेज पे जब बरसात हो गई, 20 ओवर उनको मिनिमम रिजल्ट के लिए चाहिए और टीमें तो ये सोचती है ना यार 20 ओवर में क्या पता हम जीत जाएं। पाकिस्तान ने टारगेट की तरफ जाने की कोशिश तक नहीं, मतलब ये पाकिस्तान की टीम जो अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, इंडिया को हरा भी रही थी, उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ पर रनों के लिए नहीं जाएंगे। इन दी एंड मतलब ऐसा लगा ये इंडिया वर्सेस नेपाल है, मतलब पाकिस्तान 128 वाला, पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त 228 रन से। नसीम शाह की इंजरी कंसर्न है उनको, आरिस राउफ की इंजरी कंसर्न है उनको, मतलब उनको इस मैच ने दिया कुछ नहीं, आई थिंक ले बहुत कुछ दिया। लेकिन एक बात आप समझना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आजकल है ना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है वो नई गेंद। हो सकता है यही दोनों टीमें आपने सामने आए, हो सकता है उनकी नई गेंद पे फिर दो आउट कर दें, हो सकता है आप 356 ना बना पाए, हो सकता है वो भी 128 हर बार आउट ना हो, बट आज तो भारत का हाथ ऊपर है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पिछले मैच का सवाल भी पूछा जा सकता है, जहां पर पाकिस्तान के फैंस कह रहे थे जी 267 तो हमने कर देने थे, इंडियन फैंस कह रहे थे आपको कैंडी में भी बरसात बचा देते। आई थिंक जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, पाकिस्तान भी अगर दिल पे हाथ रख के कहेगा तो वो कहेगा हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। लेकिन थोड़ा सा एशिया कप में ना अब रोमांच आ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कभी फाइनल नहीं हुआ, पिछली बार इंडिया नहीं जा पाया, अब पाकिस्तान पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउट होगा, बिकॉज पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत ज़्यादा खराब है, एंड द मोमेंट उनका नेट रन रेट इतना ज़्यादा खराब हो गया तो अब सवाल यह है कि वो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। नेट रन रेट को इम्प्रूव करना है उनको तो श्रीलंका को हराना है सीधा सीधा। अगर श्रीलंका पाकिस्तान वाले मैच में बरसात हो गई तो सीधा सीधा श्रीलंका को एडवांटेज है, फिर दोनों के पॉइंट बराबर और फिर पाकिस्तान नेट रन रेट में बाहर हो सकता है। उधर इंडिया को भी श्रीलंका को हराना है, बांग्लादेश को भी हराना है फाइनल में जाने के लिए, लेकिन अगर इंडिया श्रीलंका को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान को ही हरा दे तो फिर तो पाकिस्तान की टीम नेट रन रेट के बिना भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, क्योंकि मुझे याद है इस मैच से पहले बाबर ने कहा था कि तकरीबन हम 2-2.5 महीने से इन कंडीशंस में खेल रहे हैं, लेकिन आज उनके खेल को ऐसा देखकर लगा नहीं कि ये टीम आज मतलब वो पाकिस्तान है जिसे हालिया 1-2 साल से जाना जाता है, ये वो पाकिस्तान नहीं दिखा। खैर, इंडिया के लिए अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, बैक टू बैक आपको जाना है, कुछ घंटों में वापस आना है, 3 बजे आपको खेलना है श्रीलंका के साथ मुकाबला और ये मस्ट विन गेम है।